सच्चाई वो निकाल रहे थे सामने, इनको ढेर में डाल दिया, कुर्थी तक लेके आ गए। ये तो उनको मारने तक की प्लानिंग कर लेते, मैं आपको बता रहा हूँ सीधा, उनको खत्म करने की प्लानिंग थी, बिकॉज मैंने खुद वीडियो देखे उनके। इसी के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि तुम लगे रहो, तुम लगे रहो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम लगे रहो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम निर्भीक हो, तुम सच्चे हो, तुम्हारे ऐसी कोई पत्रकारिता में मूर्त नहीं। सकारात्मक दृष्टि आरजेडी पार्टी वालों की बिल्कुल भी नहीं है, अगर इतनी होती तो वो मनीष कश्यप को साथ में लेके इन चीज़ का पर्दाफाश करते, उस चीज़ को इम्प्रूव करते, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने सीधा उनको ईमानदार आदमी को सीधा जेल में डाल दिया है। मनीष कश्यप का एक ही कर्म था, जहां गलत हो रहा है वो कैमरा लेके वहां पहुंचते थे, वहां पे जाके संज्ञान लेते थे, चाहे वो बीजेपी का राज्य हो, कांग्रेस का हो, कहीं भी शासित राज्य हो, उसने कभी फर्क नहीं किया, वो इतना ईमानदार पत्रकार है, उसने जब सच्चाई दिखाई, इनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि इनकी पोलें खुल रही थी, इन्होंने कहीं काम ही नहीं किया, इनके यहाँ जाके इनकी सच्चाई वो निकाल रहे सामने, इनको ढेर में डाल दिया, कुर्थी तक लेके आ गए। ये तो उनको मारने तक की प्लानिंग कर लेते, मैं आपको बता रहा हूँ सीधा, उनको खत्म करने की प्लानिंग थी, बिकॉज मैंने खुद वीडियो देखे उनके, और मैं खुद उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उन्होंने इतनी बदतमीजी के साथ करी, झूठे इल्जाम पर लगा दिए, अब कैसे बरी हो गए बताइए, कैसे बरी हो गए? एक ईमानदार आदमी तो बरी होकर निकल के आगे बाहर, ये कार्रवाई करते उस पर, और उनको हटवाने का पूरा वो था कि उनकी हत्या तक कर सकते थे ये लोग, इनकी ये मानसिकता इतनी गिर चुकी थी, इतनी विकृति इनके दिमाग में पैदा हो चुकी थी कि उन्होंने एक ईमानदार पत्रकार को, वो एक सच्चा चेहरा है, वो रबीश की तरह नहीं है कि एक पक्ष की बात करते हैं, वो निष्पक्ष होकर बात करते हैं मनीष, वो किसी भी धर्म किसी भी पंथ की सबके मतलब एक तरफ होकर बात नहीं करते, वो सबके साथ चलते हैं। वो क्या कह रहे थे कि भैया इस जगह पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट के बारे में झूठी बातें कर रहे हैं, तो इसके चक्कर में उन लोगों ने उनको फंसा दिया, अब वो बारी बारी हो गए। भैया जो ईमानदार आदमी है बाहर निकल के आएगा, रावण पकड़ा जाएगा, राम निकल के बाहर आएगा जी। सर ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उनके घर पर कुर्की जपती होती, जबकि उनका घर ही नहीं है वो, तो फिर कैसे कुर्की जपती हो गई? देखिए ऐसा है ना कि जहाँ पे अंधेर राज्य अंधेर नगरी कुछ ऐसे कहा हुआ, अंदर अंधी नगरी चौपट राजा बैठा होगा, उसके अलावा कुछ ऐसी ताकतें भी ऐसी शक्तियां भी उनके साथ आ जाएंगी जो उसको, ये देखिए एक पत्रकार भैया वो अपना काम कर रहा है, उनको उससे भी दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी? बिकॉज वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा था, उनकी सरकार के अंदर कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था। एक पत्रकार देखिए इस देश में अगर एक आदमी ईमानदारी से काम करे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं? ईमानदारी आप जाए कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं? देखिए मैं ईमानदारी बात कर रहा हूँ, ईमानदार है तो फिर एनएसए क्यों लगा दिया गया? देखिए आप झूठे इल्जाम किसी भी लगा सकते हो, ठीक है, शाहबानों का केस कितने साल तक चला, बाद में उनको जो भत्ता मिलना था वो भी उन्होंने नहीं दिया, कोर्ट के मामले को तक पलट दिया, जो सरकार कोर्ट के मामले तक को भी पलट सकती है उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? और उसकी जैसी मानसिकता वाले ये लोग भी जिन्होंने मनीष कश्यप को भेजा हुआ, तो अगर अभी कह रहे एनएसए लगा दिया, आपने जाँच नहीं करी, एनएसए कैसे लगा दिया पहले, बिना जाँच के बिना कुछ करे अभी बरी कैसे हो गए? इस बात का मुझे जवाब दीजिए, आप मुझे कह रहे हैं कि एनएसए लगा दिया, भैया एनएसए तुमने किस बेस पर लगाया, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कुछ भी सबूत नहीं थे, बिना साक्ष्य के उन्होंने सीधा उसको कर दिया, बिकॉज वहाँ किसी गवर्नमेंट है बताइए कौन कर रहा था वहाँ पर, जो सरकार विकृत थी उनके का राज्य में काम हुआ है। तेजस्वी यादव जी, यस जी बिल्कुल, क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव को उन्होंने बोला था लाइव कि हम आपके सरकार इतने दिनों में गिरा देंगे, कहीं उसी का असर तो नहीं है कि मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया? देखिए ऐसा है, तेजस्वी यादव जो है वंशवाद की राजनीति, मतलब लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनके दोनों भाई वहां काम कर रहे हैं, तो जैसी लालू प्रसाद यादव की मानसिकता होगी ऐसी उनके बच्चों की मानसिकता होगी। अगर तुम में इतना धैर्य नहीं था, धैर्य होता तो तुम उनकी बात को सुनते, अपने वहां का विकास करते, और मनीष कश्यप जहां पे संज्ञान ले रहे थे उस जगह को सही करते, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने उल्टा उसको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर तुम ये कर लेते तो शायद तुम्हारी वाहवाही हो जाती, पूरा बिहार में तुम लोगों को मानते लो कि हाँ मनीष कश्यप की उन्होंने बात सुनी, लेकिन इतनी सकारात्मक दृष्टि है नहीं ना उनकी, सकारात्मक दृष्टि आरजेडी पार्टी वालों की बिल्कुल भी नहीं है, अगर इतनी होती तो वो मनीष कश्यप को साथ में लेके इन चीज़ का पर्दाफाश करते, उस चीज़ को इम्प्रूव करते, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने सीधा उनको ईमानदार आदमी को सीधा जेल में डाल दिया, अब वो कैसे निकले बताइए, कैसे पाक बिल्कुल अपने मतलब उनका जो कॉलर बिल्कुल वाइट निकला, पहले तुमने उन पर दाग लगा दिया, तो जहाँ इंसान सही होता है ना, राम राम है और रावण रावण है, और रावण ने राम को घेरने की कोशिश की, घेर नहीं पाया, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। योगेश जी क्या लग रहा है, मनीष कश्यप को जेल भेजना कितना सही है? देखिए पहले तो मैं घमंडिया जो आपका गठबंधन है उससे एक सवाल करना चाहूँगा कि पहले तो आज का जो वर्डिक्ट आया है पटना का कोर्ट का, उसको लोकतंत्र की जीत हुई है या हार हुई है उस पर पहले कमेंट करें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले छाती पीट पीट के बोल रहे थे कि लोकतंत्र की जीत हुई, और उससे कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हार हो गई। तो एक निर्भीक, एक निडर, एक निष्पक्ष और एक सच्चे पत्रकार को, जिसको के जिसने कि सही न्यूज़ को चलाया, और सही न्यूज़ क्या थी, वहाँ पे बिहारी मजदूरों को पीटा गया, उन मजदूरों की वीडियो बनाई उस पत्रकार ने तमिलनाडु में, आप किसी नॉर्थ इंडियन वर्ग का वीडियो बनाते हैं
वहाँ पे भी आपको पता है कि तमिलनाडु में साउथ में और नॉर्थ का हमेशा से रहा है आपस में, ठीक है। वहाँ पर वीडियो बनाना, बना के उसको डालना और फिर उस पर एक्शन, एक्शन किसने किया? एक्शन कोर्ट ने नहीं किया, एक्शन किया वहाँ की सरकार ने। एनएसए किसने लगाया? एनएसए लगाया सरकार ने। और सरकार किसकी है? सरकार है घमंडिया, घमंडिया जो पार्टी हैं, जो 26 पार्टी हैं उनमें से एक घमंडी पार्टी जो है करुणानिधि के पुत्र स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने घमंड को उजागर करते हुए इस निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल में डाला और उसके ऊपर रासुका जो कि एनएसए किसी बहुत बड़े अपराध में लगाया जाता है, एक पत्रकार का इतना बड़ा अपराध नहीं था जिसमें कि उसको एनएसए लगा दिया गया उसके ऊपर। दूसरी चीज़, राजदीप सरदेसाई आपका, ये जो आपका, ये आपका रवीश कुमार, ऐसे पत्रकार जो सिर्फ एक विशेष पार्टी और सरकार के लिए काम करते थे, मनीष कश्यप जो कि निष्पक्ष होके जनता को, हमें सबको जागरूक करना चाहता है अपने चैनल के माध्यम से, और उसके चैनल का नाम क्या है? सच तक, जो सिर्फ सच दिखाता है, तो उसने सच की सजा ही भुगती है। रही बात बिहार की, बिहार में जो तेजस्वी को उन्होंने लाइव बोला कि मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा, वो उसने हवा में नहीं बोला, वो उन्होंने हवा में नहीं बोला। वो एक ऐसा पत्रकार है कि जब उसको तमिलनाडु से लाया जाता है ट्रेन में, तो उसका पूरा का पूरा शहर उसके स्वागत के लिए, उसके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन में खड़ा होता है, और उसको नाम क्या दिया गया है? बिहार का लल्ला, बिहार का लाल। ये लालू को भी नहीं बोला गया है। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि लालू चारा खाया। तेजस्वी ने क्या किया? तेजस्वी ने 4 लाख रुपए में 44 करोड़ रुपए का घर ले लिया। तो मनीष कश्यप है ना, तो ये लोग बोले ना बोले ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनका मुंह नहीं है बोलने का। किसी आदमी को सच बोलने के लिए तब तैयार होना पड़ता है वो खुद सच बोलता हो। जो आदमी खुद ही झूठा है, जो 26 घमंडिया जो खुद ही झूठे हैं, वो ऐसे पत्रकार को कहां समझेंगे? समझने का मतलब नहीं बनता उसको। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप की माँ जब गई मझौलिया थाने में कुर्की का सामान लेने, तो कह रहे कि जब सरकार हमारा जो है 40 से 50 लाख का अकाउंट का जो है उसको सीज किया हुआ है, तो 4 से 5 लाख का जो सामान वापस करके क्या फ़ायदा? देखिए ऐसा है, उनकी माँ ने वहाँ गुहार लगाई, उसको सुना नहीं गया। क्यों सुना नहीं गया? उसको तो सीधा आतंकवादी घोषित कर दिया गया। भैया मनीष कश्यप तो आतंकवादी, अरे क्या किया उसने भैया, वो तो सच ही बता रहा है। तो जो ये जो अभद्रता उनकी माँ के साथ की गई है, इसकी तो भैया मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। और रही बात मनीष कश्यप की, तो वो मैंने जैसे आपको बताया वो बाहर निकल के आ चुके हैं, अब उल्टा केस उन लोगों पर होगा जो मोदी जी नया कानून लेके आए ना, उसके तहत अगर आप किसी पर झूठा केस भी लगाते हो तो आप जाने वाले हो, और 3 साल के अंदर आप लोगों का हिसाब हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से विकृत मानसिकता के, आपको पहले बता चुका हूँ। मनीष कश्यप का जो घर कुर्की जब्ती किया गया था 18 मार्च को, और अब वापस कर दिया गया, लेकिन वो घर उनका था ही नहीं, तो फिर किस नियम कानून पे कुर्की जब्ती? वो इसलिए क्योंकि हवा बनाते हैं कि देखो हमने, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तक नहीं करी, अरे पेपर तो चेक कर लेते किसके नाम से प्रॉपर्टी थी। इतने महामूर्ख हो तुम लोग, तुमने पेपर तक चेक नहीं करे दादाजी के नाम, किसी के नाम पे? अरे पहले चाचा करो, पहले पहले, अरे इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? पुलिस पहले इंक्वायरी करे किसी प्रॉपर्टी, अच्छा फलान ढिंगाना की। उन्होंने चेक की, कुछ नहीं किया, ना पेपर पड़े ना कुर्की कर दी। तो ये मानसिकता, मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो इसको हवा देना चाहते थे। जो वहां खड़ा दिख गया उसी के बारे में बोलना शुरू कर दिया। तो उसके मतलब अगर वहां मैं खड़ा होता तो मेरे में भी एनएसए लगा के मुझे जिंदा कर देते। तो देखिए कितने मूर्ख आदमी है वहां की जो जो गवर्नमेंट है, ऊपर से ये जो लालू जी के दोनों होनहार बेटे हैं उन, अरे कम से कम इन्वेस्टिगेशन कर लेते। अब तुम्हारे पूरे जमाने में किरकिरी हो चुकी है, थू थू तुम पे हो रही है कि अरे कम से कम पेपर तो देखते, कागज तो देखते। इसलिए मोदी जी कहते हैं अपने कागज दिखाओ। तुमने कागज, मोदी जी ने कागज मांगे, तुमने कागज भी नहीं मांगे, बिना कागज के तुमने हमला कर दिया। वाह जी वाह जी वाह, बहुत क्या नीति है तुम्हारी। तो देखो ये सिर्फ देखो कितना कितना विकास हुआ दिमाग का, वो आपको पता चल रहा है। योगेश जी एक चीज बताइए इसी मामले पर, बात जानना चाहेंगे, मनीष कश्यप के घर पर जब कुर्की जब्ती हुआ था, तो प्रशासन का नियम होता है जब भी कहीं कुर्की जब्ती होता है उसका पूरा वीडियो बनता है, उन्होंने वीडियो भी नहीं बनाया था। देखिए वीडियो सत्यापन बोलते हैं उसको, सत्यापन किया जाता है, और कुर्की जब्ती हो रही है, सत्यापन किया जाता है। और सत्यापन किसी चीज़ का क्यों किया जाता है? वो सत्य पे घटना आधारित होती है, लेकिन ये सच नहीं था, ये झूठ था, ये घमंडियों के द्वारा किया गया एक अपराध था। अपने अपराध को कौन दिखाएगा? जहां तक बात मनीष कश्यप की है, तो उस पे एक आदमी, एक बिल्कुल करेंगे, एक आदमी प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम रहा है, क्या कर रहा है? नीतीश का एक एक धागा खोल रहा है। वो क्या कर रहा है? नीतीश का एक एक धागा खोल रहा है। वही धागा खोलने का काम
कुछ दिनों में मनीष कश्यप शुरू कर देंगे और दोनों ही जल्द ही संसद में मिलेंगे और तब इनके धागे खोलेंगे, तब बताएंगे चारा किसने कितना खाया, रेलगाड़ी कितना किसने बेची, किसने कबाड़ा बेच के खाया, किसने जमीन लेके नौकरी दी, तब सारा हिसाब करेंगे ये। महाराज जी एक बात बताइए, मनीष कश्यप अब बिहार में है, बिहार के बेऊर जेल में, पटना के बेऊर जेल में है, तमिलनाडु से वापस आ गए, खुशी है कि नहीं बात? अरे बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब देखिए एक ईमानदार जो चीज़ है वो केजरीवाल वाले ईमानदार नहीं, ईमानदार आदमी बाहर आ गया, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि कबाड़ा बेच के उन्होंने वहाँ की ये दिखाया कि रेलवे कितना तरक्की कर रही है, ये प्रॉफिट में आ गया है, यही ये दिखाना चाहते थे कि देखो ये इन्हीं का मकान है, झूठ पे मतलब सच्चाई पे पर्दा डाल के ये गड़बड़ करने वाले थे। तो हमें तो बहुत प्रसन्नता है मनीष भाई बाहर निकल के आ गए, हम उनको साधारण नमन करते हैं, जो आपके अंदर बेबाकी है वैसे ही रहिएगा, हमारा पूरा समर्थन है और महादेव से प्रार्थना करूँगा कि आपकी दीर्घायु बढ़े, जीवन आपका आगे बढ़े। आज की एक बिहार की ही एक और प्रमुख न्यूज़ है, उसको भी आपका बताना बहुत ज़रूरी है। एक कोकोनट करके पार्क था बिहार में, पटना में, जिस पार्क का नाम 2020 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया था, ठीक है, 2018 में, सॉरी। अब उस पार्क को वहाँ के सो कॉल्ड बिना पढ़े लिखे कृष्ण के भक्त, मैं भी भक्त हूँ बहुत बड़ा, लेकिन सो कॉल्ड भक्त घमंडिया के पुत्र तेज प्रताप यादव जी ने उसका नाम आज फिर बदल दिया है, उसको कोकोनट पार्क कर दिया। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जो नेहरू मेमोरियल प्रधानमंत्री का संग्रहालय था नेहरू जी के नाम पे, जो यहाँ चल रहा था, जो सिर्फ एक ही आदमी के बारे में बताया जा रहा था, उसको बदला है, उसकी खीज निकालने के लिए वहाँ पर अटल पार्क रखा गया है। उस पर मेरी दो लाइन है, क्यों खिलाफत है, क्यों खिलाफत है इमारत खास में, क्यों खिलाफत है इमारत खास में औरों का नाम दिखाने से, क्यों खिलाफत है इमारत खास में औरों का नाम दिखाने से, आखिर अवाम भी तो सबको जानने का हक रखती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। सर आप लोगों से जानना चाहेंगे, बिहार में ये आवाज़ उठ रही है और जनता भी कहना कह रही है मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम, मनीष कश्यप। अरे बिल्कुल, देखिए ईमानदार आदमी जिसने किसी के बारे में सोचा, किसी आम आदमी के बारे में, मनीष कश्यप को क्या जरूरत है, वो चाहे तो वो रविश, मैं रविश कुमार कहता हूँ, रविश कुमार की तरह से पत्रकारिता करें, झूठे पैसे करके करोड़पति बन जाए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो अगर सीएम बनने की उनकी कवायद की जा रही है तो बिल्कुल की जा रही है, सपोर्ट है जी हमारा उनको, पूरी तरीके से सपोर्ट है, बनना चाहिए कि नहीं सीएम बिहार, बिल्कुल बनना चाहिए। इतना बेवकूफ आदमी, इतना फ्रॉड आदमी, इतना चालाक आदमी, इतना चतुर आदमी, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला आदमी जब मुख्यमंत्री बन सकता है दिल्ली जैसे प्रदेश का, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, तो वो तो निर्भीक पत्रकार है, वो तो सच्चा पत्रकार है, वो तो बिहार का लाला है, वो तो बिहार का लाल है, उसको तो बिल्कुल बनना चाहिए। और जो पत्रकार जमीन पर रह के काम कर रहा है, इसको रोड पता है, इसको खेत पता है, इसको खलिहान पता है, जिसको आदमी पता है, इसको मजदूर पता है, इसको अपना सरकारी पता है, इसको कर्मचारी पता है, उसको दिक्कत क्या है उसको बनने में? मुख्यमंत्री ऐसे ही आदमी को बनना चाहिए जैसे कि नौवीं पास उप मुख्यमंत्री कम से कम लोगों से दूर रहे, जिससे कि एक और गलत निर्णय ना ले, जो क्योंकि जंगल राज जो 15 साल चलाया था उनके पिताजी ने, वही जंगल राज दोबारा आ गया है। पिछले 4 दिन में कम से कम 4 लोगों को मार दिया गया है। क्या कसूर था उनका? उसमें से एक कसूर 70 साल के जो आदमी को मारा गया है, उस बेचारे का सिर्फ यही कसूर था कि वो अपने बेटे के कत्ल में गवाह था। ये किया जा रहा है, ये जंगल राज दोबारा से बनाया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी क्या है? हुजूर बोलते ही नहीं, ताउम्र उनके साय में रहकर, ताउम्र समझ जाना मैं क्या कह रहा हूँ, ताउम्र उनके साय में रहकर आज खौफ की बात करते हैं, ताउम्र उनके साय में रहकर आज खौफ की बात करते हैं। लगता है दीवाने खास में हाजिरी फिर लगानी है। एक मनीष कश्यप, मनीष कश्यप में देखिए ऐसा है कि मनीष जी के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि तुम लगे रहो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम निर्भीक हो, तुम सच्चे हो, तुम्हारे ऐसी कोई पत्रकारिता में मूर्त नहीं। क्या बात है, क्या लग रहा है मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बनना चाहिए मुख्यमंत्री। क्यों बनना चाहिए? अरे वो सच्चे पत्रकार है वो जी, इसलिए बनना चाहिए। अभी तो जेल, क्यों बनना चाहिए? वो अच्छे पत्रकार है, सच्चे पत्रकार है, वो ईमानदार पत्रकार है। आपको मौका मिले बिहार में जाके वोट देने का तो दीजिएगा। अरे मैं तो सर कटा दूंगा उनके लिए जी। सच्चे पत्रकार है वो, अरे मैं अपना सर कटा दूंगा उनके लिए, सच्चे पत्रकार के लिए।
आपको क्या लग रहा है? मैं आपने कहा ना कि वो जेल में गए। जी हाँ, जेल में। एक हमारे नेहरू चचा जेल गए थे, वहाँ से पार्टी करते थे, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं जो पार्टी करते थे वहाँ पर। एक सच्चा पत्रकार, देशभक्त, इस देश के बारे में सोच सकता क्या? वो सीएम नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो जो काम करेगा वही आएगा। केजरीवाल और कजरुद्दीन ऐसे इंसानों को हमें नहीं चाहिए जो झूठ की राजनीति करें। हमें अब्दुल कलाम इस देश में चाहिए, हमें मोदी चाहिए, हमें योगी चाहिए। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नेहरू की तरह राज करें उसके बाद अपनी अय्याशी करें। तो उनको सीएम बनना चाहिए, वो उसके लायक हैं। लाखों दर्शक बिहार के आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बिहार के लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग समझदार हैं, क्योंकि आपके यहाँ से आईएएस निकलते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपके यहाँ से निकलते हैं। मानसिक बुद्धि आप लोगों की ज़्यादा बड़ी होती है, बिकॉज जो हिंदी की शुद्धता है वो उसी जगह से ही है। उसके बाद जो संसाधन का क्षेत्र है वो बिहार सबसे ज़्यादा है, इसको मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि मनीष कश्यप का पूरा सपोर्ट करें, उसके लिए अनशन, उसके लिए रैली निकालें, उसके लिए आवाज़ ऊपर करें। बिहार के लोगों के लिए क्या संदेश? मेरा बिहार के लोगों के लिए कुछ कहना है। बिहार के लोग बहुत समझदार होते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ऊपर की जॉब बिहार का आदमी करता है, और हिंदुस्तान में सबसे नीचे की जॉब आईपीएस बिहार जी सबसे नीचे की जॉब बिहार वाला करता है। तो मेरा एक ही कुछ कहना है उनसे कि जरा संभल के चलिए, अपने ध्यान से अपने नेता को चुनिएगा। क्योंकि एक कहावत है, एक बोर्ड पर भी लिखा होता है कि दुर्घटना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, दोबारा दुर्घटना नहीं घट जाए आपके साथ। बस अपने वोट को समझदारी से दीजिएगा, और मनीष कश्यप को जितना हो सकता है उतना आप अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये घमंडिया इस बेचारे को फिर तंग करेगा। मनीष को नहीं, कल किसी कमल को करेगा, फिर किसी और को करेगा, फिर किसी और को करेगा, इन भाई साहब को भी करेगा।